बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और आप स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमारा चौथा लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1, सब्जेक्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और क्लास 2nd ईयर। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर में हमने बात की थी खेलों में शिरकत से मुंतजा जब फ़वाद हासिल होते हैं, कौन से फ़वाद हमें हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा था हमारा सेहतमंद मुकाबला और बानी तावन, दूसरा था क़यादत की तरबियत, तीसरा था जहन की तरबियत, चौथा था जिस्मानी तरक्की, पाँचवा था कुदरती सलाहियतों को उजागर करना, छठा हमारा पॉइंट था समाजी ज़िंदगी में तरक्की, सातवां हमारा पॉइंट था फुर्सत के औकात का मसरफ, आठवां हमारा पॉइंट था अखलाकी तरबियत, नौवां हमारा पॉइंट था असाबी उजलाती और दीगर निज़ामों में तरक्की, और दसवां हमारा पॉइंट था जरिया हसूल रोज़गार। आज हम जो बाकी हमने लास्ट टॉपिक में आपको कहा था कि जितने हमारे बाकी पॉइंट्स बचे हुए हैं, आज आप उनको वाइंड अप करेंगे, क्लोज करेंगे और इन चार लेक्चर के ऊपर जो है एक मुकम्मल हमारा एक टॉपिक इसके अंदर कवर अप हुआ है। तो आज हमारा जो 11वां पॉइंट है, कद्दो कामत की दुरुस्तगी। कद्दो कामत क्या है? पोस्चर, यानी आपके चलने फिरने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज। पोस्चर ही आपकी शख्सियत का परतव होता है, आपकी शख्सियत को निखारता है। यानी चार किस्म के कामती नकायस हैं जो अमूमन लोगों में पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? खाली कमर। दूसरा कौन सा है? गोल कमर। तीसरा कौन सा है? नाहमवार कंधे। चौथा कौन सा है? चपटे पांव। यानी ये चार मेजर कामती नकायस हैं जो अमूमन लोगों में पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं? उसकी भी वजूहात है। गलत अंदाज में उठना बैठना, खाना पीना, गलत अंदाज के जूते पहनना, गलत एक्सरसाइज करना, पता ना होना कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, अपनी मर्जी से किसी की गाइडलाइन लिए बगैर जब हम किसी एक्सरसाइज में शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है बॉडी जो स्ट्रक्चर है या बॉडी कंपोजिशन जो है उसमें तब्दीलियाँ अनुभव होती हैं। बचपन के अंदर मजदूरी करना, मेहनत करना, ये तमाम एलिमेंट्स हैं, अंसर हैं जो आपकी बॉडी के अंदर या आपके जिस्म के अंदर काम की नकाय इसका मुझे बनती है। तो प्यारे बच्चों, हम ये जो खेल है, क्योंकि खेल कोई भी हो, जब भी हम उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं तो दो किस्म की हम ट्रेनिंग लेते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिसे एक होती है जनरल ट्रेनिंग, यानी एक्सरसाइज या जनरल वार्म अप, बॉडी को वार्म अप करना, जनरल वार्म अप, यानी कोई भी खेल शुरू करने जा रहे हैं तो ग्राउंड के चक्कर लगा लिए, जॉगिंग कर ली, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली। एक होता है स्पेसिफिक, यानी आप जो गेम करना चाहते हैं, जो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, जो वार्म अप है, वो करते हैं। तो वो ये दोनों ऐसे हैं जो आपकी सेहत के ऊपर, आपकी बॉडी कंपोजिशन के ऊपर बड़ा मस्बत जो है वो फायदा देते हैं, यानी मस्बत अंदाज में मतलब होते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल जब वार्म अप करते हैं उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, पूरी बॉडी वार्म अप होती है, आपका बॉडी जो इनर टेम्परेचर होता है वो 2 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो ब्लड जो नालियाँ होती हैं खून की, शरियाने हैं या वेन्स हैं, उनके अंदर से जब वो गर्म खून गुजरता है तो उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, लचक पैदा करता है। जब आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो उसमें आपको इंजरीज के, यानी आपके जख्मी होने के या आपको मसल इंजरीज जो हैं उनके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो खेलों में शमूलियत से क्या होता है कि आपकी कद्दो कामत बड़ी दुरुस्त रहती है। आप देखिए जो खिलाड़ी होते हैं बड़े माशाल्लाह फिट, हाइट वाइज शक्लो सूरत, उनके जो मसल की जो कोऑर्डिनेशन होती है, उनके निज़ाम इस्तख्वान के साथ, हड्डियों के साथ बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद दूसरा कुव्वत मुदाफियत, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस जो आजकल के हालात हैं कोविड-19 की वजह से पूरा मीडिया, पूरी दुनिया, WHO तमाम इदारे चीख रहे हैं कि जनाब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। भाई कैसे बढ़ाएं? खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें। तो ये अगर एक खिलाड़ी है, वो पहले दिन से बचपन से ही खेलों में शमूलियत इख्तियार करता है, खेलों में हिस्सा लेता है, उसकी डाइट ठीक होती है, खुराक ठीक होती है, उसका
जो है जो खुराक होती है वो जिसमें बदन सही बनती है, जो फासिद माध्यम में खाद बेहतर होता है, जो खुराक वो खाता है वो उसकी सेहत की जामिन बन जाती है। तो ये उससे क्या होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, जरासीम के खिलाफ हर लिहाज से वो अपने आप को स्ट्रांग फील करता है और वो समझता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ऐसा सोचना, ऐसा करना साइकोलॉजिकली भी फिजिकली भी दोनों उसकी जिस्मियत के ऊपर मस्बत असरात नहीं करते। तीसरा हमारा जो है 13वां पॉइंट जो है वो है स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप है क्या? एचएसओवी के मुताबिक कि दूसरे लोग जो थे कि आप दूसरों के हकूक का ख्याल रखते हुए अपने हकूक की भी जो बंगाली नहीं होने देते और खेलों में ऐसे हिस्सा लेते हैं कि सिर्फ खेल खेला जा रहा है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या किसी की हक तलफी की जा रही है। तो ये है स्पोर्ट्समैनशिप, यानी आप खेल को तरजीह देते ना कि अपनी अना को, अपने जज्बात को, अपनी बिरादरी को, अपने खानदान को, कि नहीं जनाब मेरी नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, अगर मैंने हार मान ली, मैं हार गया खुदकुशी कर लूँगा, ये तो ये चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्समैनशिप बेसिकली क्या है कि आप दूसरों की भी हमदर्दी नहीं करते और अपने हकूक के ऊपर भी डाका नहीं डालते। तो स्पोर्ट्स खेल में बार बार हिस्सा लेने से ही स्पोर्ट्समैनशिप पैदा होती है और आप इस काबिल हो जाते हैं कि एक अच्छे खिलाड़ी कहलवा सकते हैं। 14वां पॉइंट है हमारा सकाफती इर्तका। सकाफत क्या है? मसलन एक ट्रेडिशंस हैं, हर एक इलाके की अपनी सकाफत होती है, मेले केले लिबास, उठना बैठना, बोली, खाना पीना, ठीक है जना पहनना, दिखावा, सब कुछ ये आपके अपने। लेकिन खिलाड़ी कैसे उसका इर्तका करता है? उसका इर्तका खिलाड़ी ऐसे करते हैं कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ लोग आपको देखते हैं, यार देखो सिंधी आए हुए हैं, सिंधी पहनते कैसे, सिंधी खाते कैसे, सिंधियों की बोली कैसी, या पंजाबी आए हुए हैं या इंडियन आए हुए हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनका बैठना उठना खाना पीना पहनना। तो इस तरह से आप अपने इलाके की सकाफत को किसी दूसरे इलाके में जाके उसका इर्तका करते हैं। वो लोग आपके बारे में एक जहन बना लेते हैं, यार सिंधी लोग हैं तो बड़े अच्छे थे यार, बड़े बड़े जान वाले लोग हैं वहाँ के, उनके कपड़े ऐसे थे, उनका खाना ऐसा था, उनकी बोली ऐसी थी। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने इलाके की सकाफत का, दूसरे इलाके के अंदर, दूसरे मुल्क के अंदर, दूसरे शहर के अंदर, जिसे हम सफ़ीर कहते हैं। दूसरा खिलाड़ी अमन का सफ़ीर भी होता है कि जब आप कहीं जाते देख लोग देखते यार ये तो अमन वाले लोग हैं, ये तो बड़े पोलाइट लोग हैं, बड़े इनके अंदाज देखे, गुफ्तगू देखे, ये एग्रेसिव नहीं होते, ये तो हर एक से बड़ी मिलनसारी से बात करते हैं। तो इस तरह से भी लोगों का एक माइंड सेट होता है आपके बारे में कि इनकी सकाफत कैसी है, इनका रहन सहन कैसा है, ये लोग अमन वाले हैं या जंगजू हैं या कैसे हैं। तो वो आप अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सामने दिखा रहे होते हैं। आखिरी हमारा पॉइंट है खैर सगाली। देखें जी वो कहते हैं ना, जब जंग भी हो रही होती है तो खिलाड़ी जब चले जाते हैं तो खिलाड़ी एक ऐसा होता है अमन का सफीर होता है। मैं यहाँ पे एक छोटे से आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, यूनान 1200 कबल अज़ मसीह हज़रत ईसा के आने से पहले भी वहाँ पे चार रियासतें थी, वैसे तो बहुत सी रियासतें थी लेकिन मेजर दो रियासतें ऐसी थी। एक थे लोग जो जंगजू थे, दूसरे रियासत के लोग पढ़े लिखे थे, अमन पसंद थे। अब जब खेलों का ज़माना आता तो वो जंगजू लोग जो थे साफ लोग वहाँ एलची भेज के उनको कहा जाता कि जनाब खेलें शुरू होने वाली हैं, लिहाजा आप जो है वो ख़त्म करें, अपनी जंगें ख़त्म करें और खेलों के साथ। तो वहाँ जितने भी आपके सामने आए कबाइली जंगें कैसे होती थी, मरने मारने भी आ जाते थे, नस्लें ख़त्म हो जाती थी लेकिन जंगें ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन जब खेल का ज़माना आता था वो तमाम इख्तलाफात भुलाकर क्या करते, जब खेलों में शमूलियत अख्तियार करते थे। यानी इस तरह से खिलाड़ी खेल जो है ये खैर सगाली के जज्बात को भी फ़रोग देते हैं। खिलाड़ियों को कोई कुछ नहीं कहता, चाहे जंग का ज़माना हो चाहे अमन का ज़माना हो, खिलाड़ी अमन का सफ़ीर होता है, खिलाड़ी रिप्रेजेंट करता है, खिलाड़ी अपने आप के भी खिलाड़ी इन तमाम चीज़ों से मांग रहा होता है। उसकी सोच मस्बत होती है, उसका किरदार मस्बत होता है, उसका अंदाज मस्बत होता है, इसलिए वो कभी भी इस किस्म की जनाब जंग के अंदर या नेगेटिविटी नहीं फैलाता बल्कि हमेशा पॉजिटिविटी फैलाता है, लोगों को पॉजिटिव बनाता है। खिलाड़ी जितने भी होते हैं तमाम पॉजिटिव होते हैं और खेल खिलाड़ी की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन तमाम पॉइंट से हमने ये बात साबित की या हमें ये चीज़ मिली कि खेल ही किसी की ज़िंदगी का बेहतरीन
मकसद है, महवर है, उसकी ज़िंदगी का चेंज है जो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं। इसी के साथ ये आज का हमारा टॉपिक क्लोज हुआ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, या अच्छे कैच या अच्छे खिलाड़ी की खसूसियात क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।